नमस्कार हमारे सभी दर्शकों, स्वागत है। हम आपको बताना चाहेंगे कि आज बहुत बड़ी खबर हम आपके सामने लेकर आए हैं। म्यांमार की तस्वीरें आपने देखी होंगी, लेकिन क्या आप जानते हैं भारत के सामने एक बहुत बड़ी दुविधा है म्यांमार को लेकर। आपको सुनकर हैरानी होगी कि भारत के सामने म्यांमार को लेकर एक ऐसी दुविधा है कि समझ से परे है कि हम अभी किस तरफ जाएं। ये भारत के लिहाज से बहुत सारी चीजें हम लेकर आ रहे हैं। आइए सीधे चलते हैं, आज इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा देते हैं कि आखिर क्या कुछ चल रहा है म्यांमार में और क्या कुछ आज हम आपको दिखाने वाले हैं। म्यांमार में चीन के खिलाफ विद्रोह, तस्वीरें यहां पर देखिए आप। चीन के खिलाफ म्यांमार में विद्रोह चल रहा है। मैं चाहूंगा तस्वीरें यहां पर इधर देखें आप, ये तस्वीरें और भी दिखाएंगे हम आपको। नेक्स्ट चेंज करें, वो दूसरी चीज जो हम आपको दिखा रहे हैं, नाराज लोगों ने चीनी दुकानों पर जो है वो आग लगा दी है, चीनी दुकानों को आग लगा दी है। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। नरसंहार के बाद म्यांमार में चीनी आर्मी पहुंच चुकी है, नरसंहार के बाद। नंबर थ्री चेंज करें, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, दिखाइए जरा। प्रदर्शनकारियों के सिर और पेट में गोली मार रही है सेना। यहां पर एक और चीज जो हमारे सामने है वो ये है, म्यांमार की सेना की गोलीबारी में 70 लोगों की मौत हो गई है। खैर, ये जो हमारे सामने फैक्ट्स हैं, इसके अलावा सीधे मैं चलूंगा यहां पर। आइए इस वक्त की पहली ब्रेकिंग मैं आपको दिखाता हूं। पहली ब्रेकिंग ये है कि लोगों पर धुआंधार फायरिंग के बाद म्यांमार में संकट गहराया। नरसंहार के बाद म्यांमार में चीनी आर्मी पहुंची। म्यांमार में गैस पाइपलाइन की सुरक्षा में पीएलए तैनात। चीन ने दूतावास की सुरक्षा में पीएलए को तैनात किया है, इस वक्त की बड़ी खबर। मैं सीधे चलूंगा मनीष झा, मेरे सहयोगी मेरे साथ हैं। मनीष, अभी क्या क्या जानकारी आपके पास है? देखिए निशांत, अगर हम चीन को लेकर बात करें तो कल हुआ यूं कि यंगून में उन इलाकों में लोकतंत्र की मांग करने वाले प्रदर्शनकारी, चार फैक्ट्री जो कि कपड़े से जुड़ी हुई थी और एक फर्टिलाइजर कंपनी, ये पांचों फैक्ट्री जो कि चीन के चीनी लोगों का था या चीनी इन्वेस्टमेंट की वजह से था, उसमें आग लग गई और फिर उसके बाद म्यांमार की आर्मी ने धुआंधार प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की। लोगों में इस बात को लेकर गुस्सा था कि चीन जिस तरह से म्यांमार की आर्मी को परोक्ष और प्रत्यक्ष दोनों तरह से सपोर्ट करता है, उसको लेकर, चीन को लेकर बहुत ज़्यादा गुस्सा है म्यांमार के लोगों में। लोगों को लगता है कि म्यांमार की आर्मी को सीधे तौर पर चीन का समर्थन हासिल है, इसीलिए म्यांमार की आर्मी, म्यांमार के लोग चीनी कंपनियों के खिलाफ वहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वहां पर उसको आग लगा रहे हैं। और इसके जवाब में म्यांमार की आर्मी ने अंधाधुंध गोलियां चलाई। सिर्फ 22 लोग यंगून शहर में कल मारे गए, इसके अलावा 16 दूसरी और जगह मारे गए। 38 लोगों की मौत कल केवल हुई है, 2500 लोग अरेस्ट हैं, 125 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। ऐसी स्थिति में चीन को ये लगता है कि कहीं म्यांमार के लोग चीनी दूतावास पर ना हमला कर दें, इसीलिए चीन अपने दूतावास को बचाने में लगा है। लेकिन इसके पीछे की कहानी यह है कि आपको याद होगा कि 1 फरवरी को जब सत्ता पलट हुआ तो चीन ने कहा कि म्यांमार में कैबिनेट फेरबदल हुआ है, इस बात को लेकर। उसके बाद दूसरा, जब संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव लाया गया था म्यांमार के तख्ता पलट को लेकर, तब चीन ने उसमें भी म्यांमार के सैनिक तानाशाहों को बचाने की कोशिश की। सारे एनालिसिस हम कर चुके हैं, मैं जानना चाहूंगा अभी बेसिक इन्फॉर्मेशन वहां पे क्या क्या आ रही है, मैं अपने दर्शकों को और जानकारी देता हूं। आइए जरा फैक्ट्रियों में जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, चीनी फैक्ट्रियों को निशाना किया गया है। पहली खबर जो हम आपको बता रहे हैं वो किस तरीके से चीन को अब टारगेट किया जा रहा है। म्यांमार में हिंसक भीड़ ने चीन की 10 फैक्ट्रियों में हमला कर दिया है। फैक्ट्रियों में आग के बाद आर्मी का नरसंहार। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, चीन जाने वाली प्राकृतिक गैस पाइपलाइन उड़ाने की भी धमकी दी है यहां पर। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, निवेश के नाम पर म्यांमार के कई शहरों में दबदबा बनाने की साजिश कर रहा है चीन। यहां पर फैक्ट्रियों पर हमले से पहले अटैक की मिली थी धमकी, ग्लोबल टाइम्स ने यह कहा। एक प्रदर्शनकारी की मौत पर एक चीनी फैक्ट्री जलाने की धमकी, ग्लोबल टाइम्स ने यह कहा। मैं चाहूंगा कि राहुल सिर्फ वॉल और शॉट्स, जितने बेहतर शॉट्स हम दिखा पाए वॉल के साथ। सीधे मैं चलूंगा हमारे खास मेहमानों के पास, लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद मेरे साथ हैं। सर आपका स्वागत है, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस अगेन। विष्णु प्रकाश सर हमारे साथ हैं, सर थैंक यू, बहुत ही ब्रिलियंट पीस था आपका क्वाड के ऊपर और मैं आज क्वाड के लिहाज से भी इस परिपेक्ष में भी आपसे कुछ पूछूंगा। सर प्रोफेसर राजन कुमार सर हमारे साथ हैं, सर आपका भी स्वागत है। सुमित आपको स्क्रीन पर देख रहे हैं, मनीष आपके साथ हैं। सीधे फर्स्ट रिएक्शन सर, विष्णु सर अभी जो हालात हैं
क्या समझा जाए, ये एक अलग म्यांमार है जहां पर यूथ वो नहीं है जो पहले 10 साल पहले था, एकदम बदल चुका है और चीन के लिए ये बहुत बड़ा टफ टाइम है। बहुत जटिल समस्या है और जाहिर है कि जो पिछले 9 साल से प्रजातंत्र था ये लोगों को पसंद था और इसका फर्क पड़ा है। जो आज का यूथ है म्यांमार का वो 9 साल के प्रजातंत्र के बाद एक आर्मी रूल नहीं चाहता है, ये हकीकत है। और ये भी बात हकीकत है कि कुछ बाहर की ताकतें तत्व इनको भड़का रहे हैं। और दिक्कत ये हो जाती है कि जब लोग हिंसा पे उतर आते हैं या प्रॉपर्टी जलाने लग जाते हैं तो जो रिएक्शन होता है वो और भी तेज़ हो जाता है। पर जब इस तरह का नरसंहार होता है, 126 निहत्थे लोगों की को मार दिया जाता है तो ये चिंता का विषय है। और आपने जो बहुत अहम सवाल उठाया था कि भारत को ये जटिल समस्या है कि हम क्या करें, मैं ये कहना चाहूँगा कि भारत ने बहुत नापतोल के बात की है। हमने अपनी चिंता विष्णु सर, मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा, प्लीज पार्डन मी जी। भारत के लिहाज से मैं एक अलग पूरा का पूरा चंक हमने बनाया है और उस पर मैं आपसे वो इनपुट लूंगा। लेकिन आपने जो पॉइंट रखा यह है कि एक जटिल समस्या है, खासकर वहां पर जिस तरीके से लोगों में अब वो आर्मी के प्रति एक बहुत जबरदस्त इंटॉलरेंस है। मैं एक और बड़ी खबर दिखा रहा हूं और उसके बाद मैं और ज्यादा इंफॉर्मेशन लूंगा। म्यांमार की सड़कों पर चीनी सैनिकों का आतंक, बड़ी खबर। प्रदर्शनकारियों पर डायरेक्ट फायरिंग कर रही है पीएलए। शॉट्स के साथ राहुल। पीएलए की गोलीबारी में अब तक 70 से ज्यादा लोगों की मौत, मरने वालों में 7 चीनी सैनिक, चीनी नागरिक भी शामिल है, 7 चीनी नागरिक भी। ये देखें जरा शॉट, देखें म्यांमार में किस तरीके से हालात है। फुल फ्रेम पे राहुल, जरा शॉट दिखाएं। सुमित मेरे साथ है। सुमित, चाइनीज आर्मी म्यांमार की सड़कों पर, यह पहले भी हमें पता था लेकिन अब तो एकदम खुल्लम खुल्ला है ये। देखिए बिल्कुल निशांत, अगर आप 3-2 से 3 सबसे बड़े रीजंस की बात करें कि वहां पर असल में इतना हिंसक प्रदर्शन क्यों हुआ तो वो चीन के दखल को सबसे प्रमुखता से देखा जाएगा। हालांकि हम सब जानते हैं कि म्यांमार में काफी लंबे समय तक मिलिट्री शासन देखा है लेकिन अब ये हिंसक क्यों इतना ज्यादा वॉयलेंट हो रहा है उसकी वजह है चीन का दखल भी। अगर आप देखें कि जब ये 1 फरवरी को ये सारे इमरजेंसी लगाई गई थी उसके बाद निशांत कई फ्लाइट जो म्यांमार के यांगून से और जो चीन के कई इलाकों के अंदर लैंड की गई। और ये भी बता दूं कि उसके अंदर ये कहा गया था कि जो म्यांमार की कई फ्लाइट्स को सिविल में पेंट कर वहां भेजा गया और ये कहा गया कि ये सी फूड का एक्सपोर्ट है लेकिन चीन से सोशल मीडिया को जो कंट्रोल किया जा सकता है उन एक्सपर्ट्स को म्यांमार में लाया गया, इक्विपमेंट लाए गए, हथियार लाए गए और यही वहां के लोगों को सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा है, दुखी कर रहा है। यही वजह है कि वहाँ के लोग अब चीन के प्रोडक्ट्स को, उनकी फैक्ट्रीज को, उनके लोगों को सीधे तौर पर टारगेट कर रहे हैं। लेकिन ये जो मैं देख रहा हूँ ये तस्वीर एक बार फुल स्क्रीन पर दिखाएं राहुल, जरा किस तरीके से वहाँ पर गोलियां चलाई जा रही है। राहुल सिर्फ फायरिंग के शॉट्स पर हम अगर फोकस करें अभी इस पार्ट में, ये देखिए आप, ये देखिए किस तरीके से वहां पर, मतलब ये ऐसा नहीं है कि इनको दूर करने के लिए पैलेट्स फायर किए जा रहे हैं या रबर बुलेट्स, ये प्रॉपर फायरिंग चल रही है वहां पर म्यांमार में। मैं आऊंगा जरा यहां पर आपको कुछ दिखाना चाहूंगा। आइए जरा आप पीएलए और म्यांमार की फौज का जो रिश्ता है वो रिश्ता क्या कहलाता है, आइए जरा आपको दिखाएं इन फैक्ट्स को। देखें आप, पीएलए खुलकर म्यांमार की सड़कों पर आ गई है, नंबर वन। थोड़ा सा जरा ध्यान दें इस पर आप। नेक्स्ट, चेंज ओवर करें, म्यांमार की कई स्ट्रेटेजिक लोकेशन की सुरक्षा पीएलए के हाथ में है, ये मत भूलें। नेक्स्ट चेंज करें, म्यांमार में तख्ता पलट के समय पीएलए की मौजूदगी की खबरें वायरल थी। नेक्स्ट चेंज करें, चीनी फौज को रातों रात तख्ता पलट के बाद विमानों से म्यांमार भेजा गया है, यह भी खबर आ चुकी है। चीनी आर्मी ने म्यांमार में इंटरनेट पर प्रतिबंध लगाने के लिए इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी टेक्निकल स्टाफ पहुंचाया है, यह भी चीज सामने आ चुकी है। इस ग्राफिक्स के साथ राहुल, सिर्फ शॉर्ट्स के साथ मैं सीधे चलूंगा जल शंकर प्रसाद के पास। सर, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है चाइनीज आर्मी का, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। और सबसे आयरनी की बात यह है
अभी क्वाड के देशों ने इसके ऊपर बात की थी जो क्वाड की बैठक हुई, लेकिन चाइनीज आर्मी का इतना डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, उनका फोकस हमसे हटकर वहां पर जा चुका है और पूरी दुनिया जो है वो कुछ नहीं कर रही है, वी आर जस्ट स्पेक्टेटर्स, सैंक्शंस के अलावा कुछ नहीं। बिल्कुल ठीक कहा आपने, चाइनीज आर्मी का वहां जाना इस समय जरूरी इस मारे हो गया था कि जैसे सबको मालूम है चाइनीज इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ मनी इज ह्यूज, मे बी इन 3 or 4 billion dollars। वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त इकोनॉमिक कंट्रोल करती है, वो चाइना की इकोनॉमी है, सारी बर्मीज रंगून की इकोनॉमी चाइना कंट्रोल करता है। इसमें चाइना का एक बड़ा दुविधा का स्टोरी है, एक तरफ तो वो चाहते हैं कि वहाँ शांति रहे, उनका बिजनेस चलता रहे जिस तरीके से वो चलाना चाहते हैं और प्रॉफिट क्यों बन रहा है वो बनते रहे, उनकी फैक्ट्रीज काम करते रहें। दूसरी तरफ जब ये जनता ने उसको एकदम से पब्लिक ने उसको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया तो चाइनीज़ आर्मी को लाजमी वहाँ जाना पड़ा। तो इस जो ये माहौल चल रहा है इस समय, ये चाइना के लिए बड़ी एक कैच 22 सिचुएशन है, नहीं जाएंगे तो उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो ख़त्म हो रही है वहाँ, उनकी फैक्ट्रीज नाश हो रही हैं, जाएंगे तो वहाँ हत्या करनी पड़ रही है, फैक्ट्रीज जल रही हैं, पूरी विश्व को पता लग गया कि चाइनीज आर्मी एंड म्यांमार आर्मी आर इन कोहोर्ट्स विद ईच अदर। सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू से हाउ द चाइना वुड रिएक्ट। चाइना इज ओनली गॉट एन ऑप्शन टू हैव सम पीस देयर, वो चाहते हैं किसी तरह से पीस हो जाए, जिस तरह से उनका इन्वेस्टमेंट वहाँ है वो इन्वेस्टमेंट उनका सेफ रहे, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट सेफ नहीं रह पा रहा क्योंकि वहाँ पर सब फैक्ट्री जलाई जा रही है, आपने कहा कि ऑयल पाइपलाइन भी जलाई जा रही है। तो इन सब चीज़ों से निपटने के लिए उन्हें अपनी आर्मी को वहाँ भेजना पड़ा है और उन्होंने ये भी देखा कि उनका जो दूतावास है वहाँ पे चाइनीज़ की जो एम्बेसी है उसको भी खतरा पहुँच सकता है, तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए भी उनको चाइनीज़ आर्मी भेजनी पड़ी। तो आज की तारीख में चाइना का इन्वॉल्वमेंट नॉट ओनली मिलिटेरली बट ऑल्सो टू सेव इटसेल्फ फ्रॉम इकोनॉमिक कमिटमेंट्स इनटू म्यांमार। सो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। आपने कहा भारत की जो स्थिति है वो बाद में बात करेंगे, लेकिन एज फार एज चाइना इज कंसर्न दे हैव टू प्रोटेक्ट एज वेल एज दे हैव टू सी कि नॉर्मलसी किसी तरह से आ जाए, जो ट्रेड चल रहा है, जो वहाँ उनकी इकोनॉमी में उनके जो योगदान है वो चलता रहे। लेकिन सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, व्हाट इज द वे आउट वर्ल्ड कम्युनिटी के लिए, ये जो पीएलए का इंटरवेंशन है और डायरेक्ट इंटरवेंशन है, मतलब दे आर ट्राइंग टू बी लाइक अमेरिका, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, जो सीरिया में अमेरिका और रशिया कर रहे हैं वो म्यांमार में चाइनीज कर रहे हैं, लेकिन यहां पर डेमोक्रेसी के खिलाफ हो रहा है और वहां पर उपद्रवियों के खिलाफ हो रहा है। इसमें बहुत बिग डिफरेंस बिटवीन द टू सिचुएशंस। यस, यहां तो एक अच्छी खासी इलेक्टेड गवर्नमेंट चल रही थी, उन्होंने चार्ज लगाया कि इनके इलेक्शंस जो हैं वो रिग्ड हो रखे हैं, हालांकि ऐसा कोई खास सबूत नहीं आया अभी तक सामने। इस समय वर्ल्ड बॉडीज को, वर्ल्ड पावर्स को इसमें इंटरवीन करना चाहिए और इसको रोकना चाहिए। वहाँ की जो जनता, आपको मालूम है कि ट्रेडिशनली इंडिया एंड म्यांमार आर वेरी गुड फ्रेंड्स, और जो उनकी वो है क्या नाम उनका, आंग सान सुई, वो तो भारत से बड़ा क्लोज रिलेशनशिप है उनका, वो तो भारत में उन्होंने एजुकेशन प्राप्त की है, लेडी श्रीराम कॉलेज की पढ़ी हुई हैं, अक्सर इंडिया आती रहती हैं, कई एक उनके मित्र हैं यहाँ पे। तो इंडिया एंड म्यांमार हैव वेरी क्लोज रिलेशनशिप and therefore there is no way India can keep silent about it, and as far as the world bodies are concerned they really have to intervene to stop this because aap jo bata rahe sir main kuch aur facts aapke samne lekar aa raha hu, you right, abhi mere sahyogi jo hain Vivek Vajpayee unhone abhi ek latest information di hai Myanmar se, is waqt ki sabse badi khabar Myanmar mein phir shuru ho gayi firing, badi khabar, sena ki firing mein aaj 5 logon ki maut, badi khabar, abhi phir se firing shuru ho gayi hai। और इसी के साथ मैं एक और ब्रेकिंग आपको दिखाना चाहूंगा, सीधे दूसरी ब्रेकिंग, प्रदर्शनकारियों के साथ म्यांमार आर्मी की बर्बरता की बड़ी खबर, प्रदर्शनकारियों के सिर और पेट में गोली मार रही है सेना, बड़ी खबर, प्रदर्शनकारियों के शवों को सेना ने सड़कों पर घसीटा, गोलियों की आवाज के बीच सड़कों पर भागते दिखे लोग, ये बड़ी खबर। यंगून, मांडले, हापाकांत में प्रदर्शनकारियों को कुचलने के लिए सेना ने उतारी कुख्यात फौजी टुकड़ी,
मैं सीधे चलूंगा, मेरे साथ प्रोफेसर राजन कुमार मौजूद है। सर, ये जो मेरे पास लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आ रही है और जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये गोरी तस्वीरें हैं, ये ऐसी तस्वीरें जो हमें हिला सकती हैं। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, व्हाट इज द वे आउट वर्ल्ड कम्युनिटी के लिए, और कैसे कोई भी सैन्य शासन डेमोक्रेसी को खत्म कर सकता है? देखिए, हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम है वो इस ढंग के इशू को टैकल करने के लिए काफी मजबूत सिस्टम हमारे पास नहीं है। आपने देखा कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ब्रिटेन ने इसको लाने की कोशिश की, फ्रांस अमेरिका ने इसको सपोर्ट किया, लेकिन दो चाइना और जापान ने भी उसका विरोध किया। भारत का भी जो पोजीशन है इसमें बहुत ही क्लियर नहीं था उस ढंग से, क्योंकि उस पोजीशन में वियतनाम, भारत भी कुछ वर्ड्स चेंज करने की बात कर रहे थे। तो डेमोक्रेसी जहां तक प्रोटेक्ट करने की बात है, भारत को यह समझना पड़ेगा कि अगर हम अपने नेबरहुड में डेमोक्रेसी को नहीं बचा पाते हैं तो फिर वो खतरा हम पे भी आता है। और चीन हर एक जगह पर आप देखेंगे, चाहे वो म्यांमार की बात करूँ या फिर श्रीलंका की बात करूँ, मालदीव्स की बात करूँ, या जितने भी सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं और पाकिस्तान और ईरान की बात करूँ, तो सारे जगहों पर वो जो इस ढंग के रेजिम्स हैं उसको सपोर्ट करता है और उसके माध्यम से अपना व्यापार और उससे संबंध बढ़ाता है। और इससे सबसे सीधा नुकसान अगर किसी देश को होता है वो है भारत, क्योंकि भारत एक पड़ोसी देश है। तो भारत को डेमोक्रेसी के नाम पे, और चूंकि म्यांमार एक हमारा गेटवे टू साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया है, बिम्स्टेक जो हमारा प्रोजेक्ट है कनेक्टिविटी का, उसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स वहाँ पे पोर्ट के, या फिर जो इंडिया म्यांमार थाईलैंड के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो वहाँ पे चल रहे हैं। और अगर इंस्टेबिलिटी म्यांमार में आता है तो उसका सीधा इंपैक्ट ये होगा कि आप देख रहे हैं कि रिफ्यूजी म्यांमार से भागना शुरू कर दिया है। तो हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, सर मैं उस पे आ रहा हूं, मैं राजन जी उस पे आ रहा हूं, मेरे पास वो पूरी डिटेलिंग है, मैं इसीलिए आई एम जस्ट सेविंग इंडियन पार्ट, लेकिन मैं पूरा थोड़ा अपने जो भारतीय दर्शक है उनको अलर्ट करना चाह रहा हूं, उनको बताना चाह रहा हूं। देखिए, मेरा बड़ी सिंपल सी सोच है, पहले हम उनको बता दें कि उनके पड़ोसी देश में क्या हो रहा है, जो कि हमारा बहुत बड़ा अलायंस पार्टनर रहा था। अभी जब हम वॉर और टेरर की शुरुआत कर रहे थे, हमने पहली सर्जिकल स्ट्राइक अगर वहां से शुरू की है। दूसरा, मैं इसमें इंडियन पर्सपेक्टिव दिखा रहा हूं, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्या सिर्फ सैंक्शन से बात हो जाएगी, इज देयर मोर टू इट वर्ल्ड कम्युनिटी के हिसाब से? जी, वर्ल्ड कम्युनिटी में देखिए एक सैंक्शन की पॉलिसी है, वही उनके पास होता है, और दूसरा जो होता है मिलिट्री इंटरवेंशन होता है। लेकिन अगर आप कॉमन मिलिट्री इंटरवेंशन की बात कर, तभी करेंगे जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इसको पास करे, क्योंकि दो देश उसको पास नहीं करेंगे तो वो रूल्ड आउट है। सैंक्शन भी मुश्किल होगा कि चीन और रशिया उसको उसका विरोध कर रहे हैं। अब सवाल है कि जो कुछ देश हैं, अमेरिका, यूरोप के देश और भारत तक मिलके अगर उस पर प्रेशर बनाने की बात करें तो वो शायद संभव है, लेकिन जब तक उसको चीन, रशिया और साउथ ईस्ट एशिया के जो दूसरे देश हैं उनका सपोर्ट प्राप्त है, तो मुझे नहीं लगता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी बहुत ज्यादा उस पर इंटरफेयर करे। सर, हम ये, मैं ये सोच रहा हूं कि चीन का जो है उसके आगे कितनी हेल्पलेसनेस है वर्ल्ड कम्युनिटी, वो दिखाई दे रही है। सुमित, मैं आपके पास आ रहा हूं अभी, मनीष मैं आपके पास आ रहा हूं, महिलाओं पर भी रहम नहीं कर रही है म्यांमार की सेना। सीधे शॉट्स के साथ यंगून की सड़कों पर महिलाओं के साथ सेना की बर्बरता, शॉट्स के साथ महिला प्रदर्शनकारियों पर सेना ने फायरिंग की है, फायरिंग में घायल महिला को सुरक्षा कर्मियों ने घसीटा और घसीट के लेके जा रहे हैं वो। सारे ह्यूमन राइट्स वायलेशन इस वक्त म्यांमार की सड़कों पर हो रहे हैं। मैं सीधे ये देखें आप क्या चल रहा है म्यांमार में यहां पर, और आपको याद होगा वो 21 साल की लड़की जिसने अपना पॉकेट में लेटर और डिटेलिंग लिखी हुई थी, उसकी पहले ही मौत हो चुकी है, उसके बाद भी। मैं सीधे चलूंगा मनीष, जो म्यांमार में ह्यूमन राइट्स वायलेशन या जो कुछ भी चल रहा है, मैं ये जानना चाहता हूं कि अभी अंदर से और क्या क्या इंफॉर्मेशन भी कम आ रही है वहां से। आप इंटरनेशनल अफेयर्स कवर करते हैं, क्योंकि सब कुछ रिस्ट्रिक्टेड है और चाइना ने इंटरनेट के ऊपर भी, उनके सोशल मीडिया के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर भी कब्जा जमा रखा है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, म्यांमार के चाहे मुख्य जितने भी समाचार पत्र हों या टीवी चैनल हों, उन सब पर प्रतिबंध लगा हुआ है, वो कोई कवरेज नहीं कर पाते हैं, लेकिन लोग सोशल मीडिया के जरिए दुनिया तक वो तस्वीरें पहुंचा रहे हैं जिसमें वो दिखा रहे हैं कि म्यांमार आर्मी किस क्रूरतापूर्वक प्रदर्शनकारियों के ऊपर गोली चला रही है। जब प्रदर्शनकारी घर के अंदर होते हैं तब भी बाहर से गोलियां चलती है, ऐसी ऐसी तस्वीरें, भयानक तस्वीरें सामने आई है। इसके अलावा जो कई पश्चिमी देशों के दूतावास है उनके जरिए भी खबरें आ रही हैं, संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जो मॉनिटरिंग हो रही है, ये सब मुख्य तौर पर जरिया है जहाँ से हमें खबरें आ रही है। लेकिन फिर बात वही आती है कि म्यांमार के इस लोकतंत्र का जो आंदोलन चल रहा है, इसके खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है, तो इस पर हो क्या सकता है? तो लगातार आपके एक्सपर्ट्स भी बता ही रहे हैं कि दुनिया भर से जो प्रेशर अभी दिया जा रहा है वो नाकाफी है, और ये बात म्यांमार की सरकार, जो सत्ता में बैठे सैनिक शासक हैं, वो समझ रहे हैं, और चीन का संरक्षण उसे हासिल है, रूस का संरक्षण उसे हासिल है, भारत भी ये समझ कर चल रहा है
कि चूंकि पड़ोसी मुल्क है, लंबे समय तक चलना है, म्यांमार सत्ता में सैनिक शासन बने रहेंगे, इसलिए एक मिला जुला प्रतिक्रिया भारत की तरफ से भी देखने को आ रही है। तो कमोबेश जो हालात हैं उसमें आप इतना ही समझ सकते हैं कि हर दिन लाशें बढ़ती जा रही है, 126 तक ये गिनती पहुंच चुकी है। जी आप जो बता रहे हैं, और मैं इसके बाद सीधे अपने दर्शकों को अब वो विंडो ओपन कर रहा हूं जिसमें हम भारत के लिहाज से आपको बहुत सारी चीजें बताने जा रहे हैं। म्यांमार संकट के बीच भारत की चिंता बढ़ाने वाला दावा, अब तक म्यांमार से 116 नागरिक तीउ नदी पार करके भारत में घुसे, मिजोरम के फोरकॉन विलेज काउंसिल के अध्यक्ष का दावा, जिस रास्ते से घुसपैठ हुई वहां असम राइफल्स की तैनाती नहीं थी, बड़ी खबर। मैं सीधे चलूंगा, सुमित मेरे साथ है, सुमित क्या क्या जानकारी है? देखिए निशांत, भारत और म्यांमार का बॉर्डर करीबन 1650 किलोमीटर का है और ये कई स्टेट्स में फैला है, लेकिन ये पूरा ओपन बॉर्डर है। और निशांत एक और इंपॉर्टेंट बात, ये 16 किलोमीटर इधर और 16 किलोमीटर भारत की तरफ और म्यांमार की तरफ, ये खुला इलाका है क्योंकि ट्राइब्स दोनों के लगभग सेम है। यही वजह है कि जब म्यांमार में इस तरीके की जो पूरी कवायद चल रही है उसके बाद लगातार वहाँ से बड़ा जो लोग हैं वो भारत की तरफ आ रहे हैं, नदियाँ नाले पार कर कर। असम राइफल्स को लगातार इसके लिए डिप्लॉय किया गया, वो रोक भी रहे हैं, लेकिन भारी संख्या में ये लोग कोशिश कर रहे हैं भारत में घुसपैठ करने की। इसी के लेकर होम मिनिस्ट्री ने भी एक एडवाइजरी जारी की थी चारों स्टेट्स को, खासतौर पर मणिपुर को, मिजोरम को, अरुणाचल को, नागालैंड को, कि ऐसी किसी भी चीज़ को रोकने के लिए पूरी मैकेनिज्म तैयार किया जाए और अगर कोई आता है तो उसको तुरंत वापस भी लौटाया जाए। निशांत आप जो बता रहे हैं, मैं चाहूंगा राहुल ये जो शॉर्ट्स हैं इनको मिक्स करके चलाते रहे, मैं सीधे चलूंगा यहां पर, उसके बाद मैं विष्णु सर और जल प्रसाद के पास आऊंगा। जरिए आपको जरा आपको दिखाना चाहेंगे भारत का जो हाल है, भारत को लेकर जो हमारे साथ चीजें सामने आ रही है, प्ले करें यहां पर। मिजोरम के स्थायी नेता का बहुत बड़ा खुलासा, फोरकॉन विलेज काउंसिल के अध्यक्ष रामलियान का दावा, यहां पर चेंज करें। म्यांमार के 116 नागरिक तीउ नदी पार करके मिजोरम के फोरकॉन गांव पहुंचे, नंबर वन, जिस रास्ते से घुसपैठ हुई वहां असम राइफल्स की तैनाती नहीं थी, सैन्य शासन ने से घबराए म्यांमार के 19 पुलिस वालों ने भारत में शरण ली है, यह रिपोर्ट का है। चंफई जिले प्रशासन का दावा है म्यांमार के 4 पुलिस वालों ने मांगी शरण और भारत ने इनको वापस देने से मना कर दिया, यह भी मैं आपको बताना चाहूंगा। मैं चाहूंगा सीधे राहुल वॉल ग्राफिक्स के साथ सीधे हमारे जो खास मेहमान है उनके पास चलेंगे। आप विष्णु सर, अब बात कर रहे हैं रिफ्यूजी क्राइसिस की, ये सरकार का एक बहुत बड़ा स्टैंड रहा है रेफ्यूजी क्राइसिस को लेकर और खासकर रेफ्यूजीज को लेकर, और वो एक एक्सट्रीम पोजीशन थी, अगर म्यांमार पे ऐसा किया तो बड़ा नुकसान होगा सर। जी पोजीशन है और बिल्कुल प्रिंसिपल पोजीशन है, ठीक है, पर एक हकीकत भी है निशान जी, जब आपके पड़ोस में ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं, जब इंसानों का समूह जो कि सब कुछ उनका नुकसान हो चुका है, जिंदगी बचाने के लिए निकल पड़ते हैं, तो ये एक ऐसा सैलाब होता है जिसको रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। और मुझे नहीं लगता कि भारत भी करेगा क्योंकि इससे हिंसा बढ़ेगी और एक पड़ोस में होने के कारण ऐसा लगता है कि कुछ जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा कुछ लोग भारत में प्रवेश करेंगे। और पहले भी हुआ है, हमारे देश में लाखों हजारों लाखों की तादाद में लोग आए हैं, पर अगर आप मुझे ठीक समझें तो मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा, भारत के का जो रवैया है म्यांमार के लिए उसके बारे में मैं टिप्पणी करना चाहूँगा कि हमने हस्तक्षेप नहीं किया है। हमारा और चीन का फर्क ये है कि हम हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं करते और ना ही करेंगे। हमने अपनी चिंता व्यक्त की है, हमने कहा है कि प्रजातंत्र की बहाली होनी चाहिए, कि जो मतभेद हैं उनको बैठ के निपटाना चाहिए। और अगर आप देखें कि जो दुनिया भर से टिप्पणी हो रही है वो भी बड़ी नपी तुली हो रही है, और जो आपने क्वाड का जिक्र किया, क्वाड ने भी आर्मी की निंदा नहीं की है, क्वाड ने भी कहा है कि हम सपोर्टर हैं म्यांमार के और उनके लोगों के, और प्रजातंत्र को बहाल करना चाहिए। तो ये एक वाकई समस्या है दुनिया के पास, क्योंकि अगर आप टिप्पणी करेंगे, आप दखल अंदाजी करेंगे तो मामला भड़केगा, और अभी मुझे लगता है कि सुधरने से पहले मामला भड़केगा, क्योंकि जब आर्मी के पास ताकत होती है तो वो हिंसा को रोकने में कामयाब नहीं होते। सर आप जो बता रहे हैं, मैं इसमें एक और चीज़ आपसे शेयर करूंगा अभी, और फिर मैं आपके पास उसी चीज़ पर आपसे एक सवाल करना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले
वो ये है कि गृह मंत्रालय ने म्यांमार से सटे राज्यों को अलर्ट किया है। बड़ी खबर, एमएचए ने मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश से शरणार्थियों को रोकने के लिए कहा। जैसा कि अभी आपको सुमित बता रहे थे, मानवीय आधार पर कुछ शरणार्थियों को रोका नहीं जा सकता, एमएचए ने यह कहा है, मानवीय आधार पर। सुमित मेरे साथ है, सुमित। यही मैं आपको बता रहा था कि क्योंकि दोनों तरफ के जो बॉर्डर एरियाज के जो ट्राइब्स हैं वो एक ही कम्युनिटी के हैं, एक ही ट्राइबल उसके हैं, तो यही वजह है कि दोनों एक तरफ से आते जाते रहते हैं। 16 किलोमीटर भारत की तरफ, 16 किलोमीटर म्यांमार की तरफ ये बॉर्डर ओपन है। यही वजह है कि काफ़ी भारी संख्या में लोग इस तरफ आ रहे हैं, लेकिन एमएचए की तरफ से चारों स्टेट को ये निर्देश दिए गए हैं कि आपको ना सिर्फ अपनी पेट्रोलिंग या गार्डनिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रखनी है, किसी को नहीं आने देना है, बल्कि अगर कोई आता है तो उसको बहुत निश्चित तौर पे उसको जो रिटर्न करना है वो तुरंत करना है, और अथॉरिटीज़ को ये शेयर भी करना है कि आपकी तरफ से ये लोग हमारी तरफ आ गए हैं। आपको याद होगा कि लेकिन सुमित उसमें कैवियट है, इसी कैवियट ये है, उन्होंने बोला है कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे हम किसी को वापस नहीं करेंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है, अब म्यांमार ने कहा कि हमारे पुलिसकर्मी वापस दो, भारत उसमें चुप करके बैठ गया, उन्होंने उनको वापस नहीं जाने दिया। देखिए निशान, जहां तक मेरी जानकारी है एमईए ने इस पर काफ़ी पहले लंबे समय पहले एक रिस्पांस दिया था, जिसपे एमईए ने कहा था कि हमें ये बात पता लग गई है, 8 पुलिस वाले हमारे साथ हमारे पास हैं और हम लगातार लोकल अथॉरिटी से जो म्यांमार की है उनसे संपर्क में है और उनको उनके रिटर्न करने के प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने की बात कह रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें एक मैकेनाइज तरीके से या फिर प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए ज़मीन पर की भी जा रही है। निशान जी, आप जो बता रहे हैं एक बार जरा इसकी डिटेलिंग दे दूं मैं, सीधे चलिए आइए जरा यहां पर जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है, प्ले करें राहुल जरा बिग वॉल पर, आपके सामने कुछ जानकारी मैं लेकर आ रहा हूं, ध्यान से देखें। 1683 किलोमीटर का बॉर्डर, हाई अलर्ट, भारतीय गृह मंत्रालय ने 4 राज्यों को किया था अलर्ट, नंबर 1। नंबर 2, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश को अलर्ट किया गया। चेंज करें, 4 राज्यों पर म्यांमार के घुसपैठियों की नजर। चेंज करें, मानवीय आधार पर म्यांमार के शरणार्थियों को शरण देने के लिए एमएचए राजी है। अलर्ट किए गए 4 राज्य किसी भी व्यक्ति को शरणार्थी का दर्जा देने के लिए अधिकृत नहीं है, यह हमारे पास इंफॉर्मेशन है। मैं सीधे इसके बाद जल प्रसाद के पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक 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 चीज मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है भारत डायलेमा में, वो हम आपको बताने वाले हैं। भारत का बिजनेस इंटरेस्ट क्या है म्यांमार में, वो हम आपको बताने वाले हैं। सीधे चलता हूं मैं जल प्रसाद के पास। सर, आप एक तरफ वहां पर आर्मी का कंट्रोल है, दूसरी तरफ चाइना इन्वॉल्व है, और उनके जो रेफ्यूजी हैं अगर हम उनको रिफ्यूज कर दें तो हमारे लिए एक अलग तरीके का सहयोगी चला जाएगा, बहुत टाइट रोप वॉकिंग है भारत के लिए। देखिए, भारत के और म्यांमार के सिटीजन्स का, लोगों का बहुत निकटतम, बड़ा क्लोज कांटेक्ट है, बड़ी क्लोज रिलेशनशिप है। ये तो वही बात हो रही है जो कि आपने ईस्ट पाकिस्तान में देखी थी, जब ईस्ट पाकिस्तान में एट्रोसिटीज़ हुई पाकिस्तान आर्मी की तरफ से, तो वहाँ से शरणार्थी भारत में आना शुरू हो गए और वही वजह थी कि भारत सेना को, भारत को उसमें इंटरवीन करना पड़ा और बांग्लादेश को लिबरेट करना पड़ा। सिचुएशन इज वॉज सिमिलर, मच बट अ बिट मच लोअर स्केल। यहाँ पे भी सिचुएशन वही हो रही है, यहाँ पे आप देखेंगे कि वहाँ से शरणार्थी आ रहे हैं जिन पर एट्रोसिटीज़ हो रही हैं, तो इसको हम ना तो ले सकते हैं, ना वापस कर सकते हैं, ना इनको रख सकते हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो इट्स ए सिमिलर सिचुएशन, द ओनली आइडियल सिचुएशन फॉर इंडिया टुडे इज कि किसी तरह से वहाँ शांति हो जाए, किसी तरह से वह एक तरह से नॉर्मलसी आ जाए, और नॉर्मलसी आने का एक ही तरीका मुझे दिख रहा है, इसमें चाइना का योगदान बहुत ज़रूरी है। अगर चाइनीज़ इसमें हस्तक्षेप करेंगे और चाइनीज़ मिलिट्री को कंट्रोल करेगी, म्यांमार की मिलिट्री को कंट्रोल करेगी, तभी शांति हो सकती है। चाइना को इसमें देखना चाहिए इस समय कि वो बर्मा को एक तरह से कैप्चर करके कुछ खास फ़ायदा नहीं है, उनका बेल्ट एंड रोड भी चल रहा है, वहाँ पे उनकी ट्रेड भी चल रही है, उनकी आर्मी भी उनकी आर्मी के संग मिलकर चल रही है, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान इस समय चाइना का ही हो रहा है। एक तो वर्ल्ड के अंदर उनकी ह्यूमन राइट्स की बात चल रही है, दूसरी तरफ वहाँ पे जो उनका ट्रेड है, जो उनकी पैसे इन्वेस्टेड है, उस पर इफेक्ट पड़ रहा है। और जहाँ तक भारत में शरणार्थियों का सवाल है, मैं समझता हूँ कि ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड इंडियन गवर्नमेंट विल नेवर से नो। हालांकि म्यांमार गवर्नमेंट कहती है कि जो आपके 4 पुलिसमैन हमारे वहाँ पहुँच गए उनको वापस कीजिए, जैसा आपने कहा इसके भारत की तरफ से कोई जवाब नहीं गया है, इसका मतलब यह कि हम उनको वापस नहीं करना चाहते। और जितने शरणार्थी अभी तक आए उनको मेरे ख्याल से अच्छे ट्रीटमेंट के संग कोई कैंप लगा के रखा गया होगा, और उनके शरणार्थी अभी तो 150-200 आप कह रहे हैं आए हैं,
हो सकता है कि कुछ अगले चल दिनों में अगर मसला कुछ हल नहीं हुआ, ठंडा नहीं हुआ, तो शरणार्थी और भी ज्यादा आ जाएंगे सर। लेकिन वेरी कॉन्शियस व्यू ऑफ हाउ वी, मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगा सर, हाउ वी सपोर्ट डेमोक्रेसी। एक हमारा व्यू पॉइंट रहा है भारत का कि हम किसी भी देश के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करते, लेकिन जो दूसरा व्यू पॉइंट है वो ये व्यू पॉइंट कहता है कि हम किसी भी देश में अगर लोकतंत्र का नुकसान हो रहा है तो चुप भी तो नहीं बैठ सकते। नॉट ओनली चुप नहीं बैठ सकते, वहां पे देखिए किस तरह से एट्रोसिटीज हो रही हैं, वहां पे ये देखिए किस तरह से उनकी पॉपुलेशन भारत के अंदर आ रही है। इसमें भारत का वही चीज आप याद कीजिए ना, वही चीज याद कीजिए जब ईस्ट पाकिस्तान से शरणार्थी आ रहे थे तो भारत में क्या हुआ था, देवर रनिंग इन टू फिगर्स ऑफ लैक्स एट सम पॉइंट इन टाइम। अभी तो 200 के करीब आए हैं, अगर इसी तरह से चलता रहा तो ये फिगर बढ़ती चली जाएगी। आफ्टर ऑल वी कांट टेक अनलिमिटेड नंबर ऑफ पीपल कमिंग इन टू इंडिया एंड देन सेटलिंग डाउन। सो एक तो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करना है, एक वहाँ की पॉपुलेशन को सपोर्ट करना है। अब हमने बांग्लादेश में पॉपुलेशन को किस तरह सपोर्ट किया, उन्हीं को पॉपुलेशन को हमने कुछ ट्रेन व्रेन करके और बांग्लादेश को लिबरेट कराया। तो इसी तरीके से अगर ये चलता रहा और इसी तरीके से एट्रोसिटीज होती रही जो हो रही हैं, मैं समझता हूँ कि सिचुएशन कैन बी मोर इम्पोर्टेंट एंड मोर सीरियस फॉर इंडिया। इंडिया सर, आप जो बता रहे हैं, मैं आपसे एक चीज शेयर करूंगा, मैं आपसे एक चीज शेयर करूंगा जनरल प्रसाद, आई एम सॉरी मैं आपको रोक रहा हूं, जरा वो पर्सपेक्टिव मैं आपको दिखाता हूं, आइए जरा, और उसके बाद में आप तीनों लोगों से एक चीज जानना चाहूंगा। देखिए भारत के लिए कंफ्यूजन क्या है, भारत के दर्शक ये समझें, म्यांमार को लेकर सबसे बड़ा कंफ्यूजन म्यांमार की फौजी हुकूमत से संबंध जारी रखें या नहीं, सबसे बड़ा कंफ्यूजन नंबर वन। मैं चाहूंगा नीचे राहुल हमारी जितनी भी अभी शो की ब्रेकिंग है सब टिकर में चलवाएं। नेक्स्ट, दूसरा कंफ्यूजन, चेंज करें, फौजी हुकूमत के साथ संबंध तोड़ते ही चीन उस पर हावी हो जाएगा। फौजी हुकूमत के साथ संबंध अगर हमने तोड़े तो चीन उससे उस पर हावी हो जाएगा। नेक्स्ट, चेंज ओवर करें, मगर फौजी हुकूमत से संबंध मजबूत करने से भारत की छवि लोकतंत्र विरोधी लगेगी, यह भी समझें आप। नेक्स्ट, जो अभी हम आपको बड़ी देर से बता रहे हैं, खबर है कि क्वाड समिट में भी चारों देशों ने म्यांमार पर बातचीत की। मैं सीधे चलूंगा, ये है वो डेडलॉक जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है, और इसके लिए सबसे पहले मैं विष्णु सर के पास चलूंगा और फिर प्रोफेसर राजन के पास। सर, फौजी हुकूमत के साथ गए तो लोकतंत्र विरोधी कहलाएंगे, फौजी हुकूमत के अगेंस्ट में गए तो चाइना उनके पास एकदम डोरे डाल रहा है, वो चाइना की गोदी में जाकर बैठ जाएंगे। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सिनेरियो है सर ये। बिल्कुल निशांत जी, मुश्किल है, पर इसमें मेरी राय थोड़ी फर्क है। ओके। एक तो जो जहां तक प्रजातंत्र की बात है, हमारी फॉरेन पॉलिसी में प्रजातंत्र को प्रमोट करना किसी देश का में, ये हमारी फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा नहीं है। हमने बड़ा स्पष्ट कहा है कि हम किसी देश के सरकार नहीं चुन सकते, जो भी प्रणाली वो अपनाते हैं वो अपनाएं। तो ये हमारा एक कंसिडर्ड व्यू पॉइंट है, हम प्रजातंत्र की रक्षा के, हम प्रजातंत्र हैं, दुनिया के सबसे बड़े प्रजातंत्र हैं, हम जाहिर है प्रजातंत्र चाहते हैं पर हम उसको एक्सपोर्ट नहीं करते हैं। पहली तो एक चीज़ बड़ी क्लियर होनी चाहिए। दूसरा, हम टाइट रोप वॉकिंग इसलिए कर रहे हैं कि हम आर्मी के साथ मजबूत रिश्ता नहीं बना रहे हैं निशांत जी, हम सिर्फ अपने राष्ट्रहित में जो भी सरकार है उसके साथ काम कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा फर्क है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम आपके साथ संधि करेंगे, अलायंस करेंगे, सपोर्ट करेंगे, हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे। और ये हम चाहते हैं कि अगर हम उनके साथ ताल्लुका तोड़ देते हैं तो ये ना म्यांमार के हित में ना हमारे हित में है। तो हम एक हकीकत को मान रहे हैं कि इस वक्त जो आर्मी है म्यांमार की वो ताकत में है। तो हमने अपनी चिंता जताते हुए कहा है कि हम जो भी पावर में होगा उसके साथ संबंध बनाए रखें। आप जो बता रहे हैं, प्रोफेसर राजन कुमार मैं आपके पास आ रहा हूं सर एक और खबर के बाद, और मैं आपसे एक मैक्रो व्यू पॉइंट लूंगा इस तीनों खबरों पर, लेकिन उससे पहले क्योंकि हमने आर्मी का जिक्र किया है, मैं जनरल प्रसाद से एक चीज जानना चाहूंगा। सर, म्यांमार की आर्मी के साथ भारत के संबंध अच्छे रहे हैं, और ये मैं एक बहुत बड़ा प्रूफ आपसे कुछ ही क्षणों में देने जा रहा हूं। हम उनसे इस इशू पर कैसे डील करेंगे, क्या स्ट्रैटेजी होगी, ये स्टूडियो में डिसाइड नहीं हो सकता, बट व्हाट इज योर एनालिसिस? देखिए, भारत और इंडियन आर्मी एंड म्यांमार आर्मी के बहुत क्लोज संबंध रहे हैं।
उनके चीफ यहाँ कई दफ़ा आ चुके हैं, हमारे कई चीफ्स वहाँ विजिट कर चुके हैं, हमारे वहाँ दूत हमारे मिलिट्री अटैचेज वहाँ रहते हैं, उनका मिलिट्री अटैची यहाँ रहता है, उनके संग हमारे बड़े अच्छे रिलेशनशिप हैं और उनकी मिलिट्री की जनरल मैनर ऑफ वर्किंग इज़ क्वाइट सिमिलर टू द इंडियन आर्मी वर्किंग। तो संबंध बड़े निकटतम हैं, द वेरी क्लोज कॉन्टेक्ट बिटवीन द म्यांमार आर्मी एंड इंडियन आर्मी। लेकिन मैं फिर कहूँगा, इस समय ट्रंप कार्ड इज़ इन द हैंड्स ऑफ द चाइनीज़ आर्मी। चाइनीज़ आर्मी की इसमें अकलमंदी तभी होगी जब इसको वो रोकें। वो ये नहीं समझ रहे कि इसको अगर उन्होंने चलने दिया तो इसका अंत में सबसे बड़ा नुकसान चाइना को होगा। इंडिया को तो हो ही रहा होगा, लेकिन चाइना को जो इसका नुकसान होगा वो चाइना के लिए बड़ा कठिन साबित हो सकता है। इकोनॉमिकली इन द वर्ल्ड फोरम्स एज टू व्हाई देयर इंटरफियरिंग इन सच अ मैनर, तो मैं समझता हूँ कि चाइना इज़ केपेबल टुडे ऑफ स्टॉपिंग दिस नॉनसेंस इन म्यांमार, ब्रिंग इन पीस देयर। इसमें इंडिया तो कोई खास रोल प्ले नहीं कर सकता, केवल इसके कि अपने बॉर्डर्स पर निगरानी रखें और जितने भी वहाँ से रिफ्यूजीज आते हैं उनको एक तरह से रखा जाए। लेकिन यू आर एब्सोल्युटली राइट, मैं आपको कई एक आर्मी चीफ गिना सकता हूँ जो भारत के आर्मी चीफ म्यांमार विजिट कर चुके हैं और उनके आर्मी चीफ भारत मेरे पास कर चुके हैं। और चीज मैं ऐड करूंगा सर, जो आर्मी चीफ जन साहब, मैं और चीज ऐड करना चाहूंगा यहाँ पर, एडिंग आप जो बता रहे हो उसमें, भारत की कंपनियों की म्यांमार पर नजर है, ये बड़ी खबर है। भारत की कई मल्टीनेशनल कंपनियां म्यांमार में कर रही हैं व्यापार, भारत की कंपनियां म्यांमार आर्मी के लिए डिफेंस इक्विपमेंट में के काम में हैं, ये कई सारी कंपनियां हैं। मैं आपको इसकी डिटेलिंग देना चाहूंगा। आइए जरा यहां पर, ये जो मैं आपको बता रहा हूं, आइए जरा प्ले करें यहां पर, ये जो हमारे पास फैक्ट्स है इसको देखें। देखिए आप किसी भारत की 8 निजी और सरकारी कंपनियां म्यांमार के साथ बिजनेस कर रही हैं। नंबर 1, नंबर 2 चेंज करें, HAL, BDL, HSL का म्यांमार की सेना के साथ कमर्शियल रिलेशन है। आपको ये कंपनी के फुल फॉर्म्स पता होंगे, म्यांमार की सेना को हथियार सामग्री मुहैया कराती हैं भारतीय कंपनियां। टाटा ग्रुप और लार्सन एंड टूब्रो म्यांमार की सेना के लिए ट्रूप कैरियर व्हीकल्स और टॉर्पीडो बनाती हैं। अडानी ग्रुप और इंफोसिस के भी म्यांमार के साथ कारोबारी संबंध है। अडानी ग्रुप यंगून नदी के पास $290 मिलियन का एयरपोर्ट टर्मिनल बना रहा है। म्यांमार के एक बैंक के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम इंफोसिस कर रहा है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज इन दोनों कंपनियों ने कहा है, इंफोसिस और अडानी ग्रुप ने, कि हमारी इनके ऊपर नजर है, इन्होंने कहा है। और ये सारे जो फैक्ट्स मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि ये सारी चीजें मैं कोट करके आपको बताना चाह रहा हूं। एक कंपनी है बकायदा, उस एजेंसी ने ये कहा है, ये जो डिटेलिंग मैंने आपके सामने दी है कि किस तरीके से एक कंपनी है यूके की जिसकी ये लिस्ट है जिससे ये सारे फैक्ट्स आए। प्रोफेसर राजन कुमार, हमारा इंटरेस्ट बहुत डीप है उनमें और हम उनके कमर्शियल लेवल पर, बिजनेस लेवल पर हमारे उनसे बहुत संबंध है, इसीलिए शायद हम रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। नहीं, कमर्शियल रिलेशन हमारे अच्छे हैं, लगभग $2 बिलियन का ट्रेड है उनके साथ और वहाँ पे बहुत सारी कंपनी, जैसे मैंने बताया कि जो इंडिया म्यांमार और जो थाईलैंड का हाईवे प्रोजेक्ट है वो चल रहा है, पोर्ट सितवे में पोर्ट प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है। और लेकिन जिस कारण से हम वहाँ पे काफी फोर्सफुली इंटरवीन नहीं कर पा रहे, उसका एक यह भी कारण है कि उनकी जो मिलिट्री है उनसे भी हमारे संबंध बड़े अच्छे हैं। आपने बहुत सारे जो डिफेंस कॉपरेशन दोनों देशों के बीच में हो रहे हैं उसकी बात की। अभी कुछ दिन पहले, जो कि इंडियन न्यूज़पेपर्स ने अच्छे से कवर नहीं किया था, सनशाइन 1 एंड सनशाइन 2 नाम के जो ज्वाइंट प्रोजेक्ट्स हुए, ज्वाइंट जो एक एक्शन हुआ था, मिलिट्री एक्शन वहाँ के अराकान रिबेल्स के अगेंस्ट में, जिसमें भारत और म्यांमार की मिलिट्री ने साथ मिलकर इंटरवीन किया था और मिलिट्री एक्शन लिया था। उसके बाद दोनों के बायलैटरल नेवल एक्सरसाइजेज होते हैं, नेवल और मिलिट्री एक्सरसाइज दोनों के हुए हैं 18-19 में। और तो आप देखें कि मोदी जी का जब इनॉग्रेशन हो रहा है तो दो ही देश साउथ ईस्ट एशिया के जिनको बुलाया गया था उनके लीडर को, उसमें एक म्यांमार था। तो भारत की जो ईस्ट एक्टिस पॉलिसी है मोदी जी का और ईस्ट में जो साउथ ईस्ट एशिया से जो कनेक्ट करने की पॉलिसी है, उसमें दो देश हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, एक है म्यांमार, दूसरा है बांग्लादेश। तो म्यांमार में जो हमारे जो प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी इकोनॉमिक, कमर्शियल और जो मिलिट्री कॉपरेशन चल रहा है वो बहुत ही जरूरी है, बिम्स्टेक का पार्ट है म्यांमार। हम अगर साउथ ईस्ट एशिया के देशों से अगर फ्री ट्रेड की अगर फ्यूचर में बात करते हैं या उनसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो वो
हम म्यांमार के बिना नहीं कर सकते हैं। तो म्यांमार हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मोदी की फॉरेन पॉलिसी में म्यांमार और बांग्लादेश दो इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं जिसके माध्यम से भारत उधर ईस्ट में कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। एक एक लिस्ट है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो डेटा हम आपके सामने लाए हैं इसके फैक्ट्स आपको बताने में वो नाम मिस आउट कर गया था, उसके लिए माफी चाहूंगा। एक लिस्ट पब्लिश की गई थी बर्मा कैंपेन यूके, उसके अनुसार ये सारा डेटा और सारा आपके सामने ये चीजें हम लेकर आ रहे हैं। लेकिन हमारे सभी मेहमानों को शुक्रिया करने से पहले मैं बहुत क्विकली आपको एक बार क्विक अपडेट देना चाहूंगा म्यांमार के ऊपर जो हमारे सामने ब्रेकिंग है। राहुल, आपसे कुछ ही क्षण पहले जो ब्रेकिंग आई है कि म्यांमार आर्मी ने फिर से वहां पर फायरिंग शुरू कर दी, एक बार फिर से वो ब्रेकिंग अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। ये बहुत चिंता का विषय है यहां पर जो म्यांमार में हालात हो रहे हैं। वेरी क्विकली और सभी मेहमानों को मैं शुक्रिया करूंगा। म्यांमार से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, वो खबर यह है कि वहां पर फिर से शुरू हो चुकी है फायरिंग। और इतना ही नहीं, वहां पर जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक सेना की फायरिंग में 5 लोगों की मौत हो गई है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।